राई से भाजपा विधायक मोहनलाल बडोली ने बिजली की समस्या को लेकर निगम की SEXNE चारों SDO के साथ मीटिंग की, जिसमें विधायक ने कहा कि उनके पास हर दूसरी समस्या भी की आ रही है। ग्रामीण ट्रांसफर जलने तार व बिजली की अघोषित कटों से परेशान हैं। ग्रामीणों को बिजली की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। ये सरकार बने, नई सरकार 1 महीना 3 दिन हुए हैं अभी, और बिजली की जो हमारी राई विधानसभा में जो समस्या थी, SC साहब दोनों एक्शन चारों SDO इनके साथ बैठ के बिजली लोगों को पूरी मिले, सही मिले, टाइम से मिले, इसकी हमने पूरी रूपरेखा बनाई है। और बिजली पहले से दी जा रही थी, उसमें थोड़ा सा 19-20 का सुधार रहेगा। जैसे शाम को 5 बजे से लोगों की डिमांड है, तो शाम को 5 बजे से ही बिजली देने का काम करेंगे, और 12 घंटे लाइट हर गांव में हम दे रहे हैं। ट्यूबलों के कनेक्शन हैं, और जो कहीं कोई रोड बना है, नया रोड बना है, वहाँ पोल खड़े हुए हैं, वो पोल हटने की बात थी। और लोगों की जो कहीं तार गए हुए हैं, किसी छत के ऊपर से गए हुए हैं, वो सारी योजना बनाई है। और लोगों को बिजली के बारे में किसी प्रकार की समस्या ना रहे, उसको दूर करने के लिए आज पूरा डिपार्टमेंट और मैं बैठे, और इस पर पूरी विस्तृत योजना हमने बनाई है, ताकि लोगों को बिजली की कोई समस्या ना रहे। कुछ ग्रामीणों के आरोप है कि मुरथल गांव में एक ट्रांसफार्म जला हुआ था, जिस पर कि एक्शन सबसे बात हुई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता कि ट्रांसफार्मर जलने वाला है, वो इत्तेफाक या एक्सीडेंटल केस होता है, और उसमें 10 घंटे 12 घंटे उसको चेंज होने में लग जाते हैं। कहीं डिमांड करी गई थी, पैसे की डिमांड अगर किसी अधिकारी ने की होगी तो वो हमारे ध्यान में तो नहीं है, आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की बात बताएगा तो हम चर्चा करते। आज मीटिंग में इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था कि कहीं किसी की पैसे की डिमांड किसी की आई है। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।